आई एम अलका, वेलकम टू अलका लर्निंग होम। यहाँ पर मैंने यूकेजी मैथ के कुछ ओरल क्वेश्चन बनाई हूँ, क्योंकि अभी स्कूल में, हर स्कूल में क्या होता है ना, ऑनलाइन में एग्ज़ाम होता है और रिटिन के साथ साथ बच्चों को ओरली भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ओरल क्वेश्चन बनाई हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। यूकेजी मैथ ओरल वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1, आप ऐसे आपके बच्चों को ओरली पूछ सकते हैं। लाइक आफ्टर नंबर में कैसे पूछना है, व्हाट इज़ द आफ्टर नंबर ऑफ 67, बच्चों को ये पूछना है, व्हाट इज़ द आफ्टर नंबर ऑफ 67, तो बच्चों को आंसर देना है 68। व्हाट इज़ द आफ्टर नंबर ऑफ 99, तो बच्चों को ये बोलें द आफ्टर नंबर ऑफ 99 इज 100। व्हाट इज़ द आफ्टर नंबर ऑफ 79, द आफ्टर नंबर ऑफ 79 इज 80। व्हाट इज़ द आफ्टर नंबर ऑफ 88, द आफ्टर नंबर ऑफ 88 इज 89। देन बिफोर नंबर में मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हूँ, लाइक व्हाट इज़ द बिफोर नंबर ऑफ 100, द बिफोर नंबर ऑफ 100, मतलब बच्चों को ये भी बोलना है, बिफोर नंबर मतलब बैकवर्ड नंबर बोलना है। सो 100 का बिफोर नंबर जो है 99, द बिफोर नंबर ऑफ 100 इज 99। व्हाट इज़ द बिफोर नंबर ऑफ 90, द बिफोर नंबर ऑफ 90 इज 89। व्हाट इज़ द बिफोर नंबर ऑफ 67, द बिफोर नंबर ऑफ 67 इज 66। व्हाट इज़ द बिफोर नंबर ऑफ 81, द बिफोर नंबर ऑफ 81 इज 80। और एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर बच्चों के आप कोई नए स्कूल में एडमिशन देना चाहते हो तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों को मैथ में, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 बिटवीन नंबर है, व्हाट इज़ द बिटवीन नंबर ऑफ 55 and 57, द बिटवीन नंबर ऑफ 55 and 57 इज 56। व्हाट इज़ द बिटवीन नंबर ऑफ 79 and 81, द बिटवीन नंबर ऑफ 79 and 81 इज 80। व्हाट इज़ द बिटवीन नंबर ऑफ 66 and 68, द बिटवीन नंबर ऑफ 66 and 68 इज 67। What is the between number of 50 and 52? The between number of 50 and 52 is 51। Then बच्चों को स्पेलिंग भी पूछा जाता है और ये भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लाइक जो नंबर पूछा जाएगा बच्चों को उसका स्पेलिंग करना है, 13 इसका स्पेलिंग करना है। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर दी हूँ, आप चाहो तो और भी ज़्यादा नंबर दे के बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। 13, 17, 29, 36 बच्चों को इसका स्पेलिंग पढ़ना है, जैसे कि 13 THIRTEEN, ऐसे ही बच्चों को इसका स्पेलिंग बोलना है। देन 45, 66, 100, 50, 79, ऐसे ही मैंने कुछ नंबर यहाँ पर दी हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन में आप भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि 21 is -27, तो बच्चों को ये बोलना है यहाँ पर लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। ये जो क्वेश्चन है इसे पूछने से पहले बच्चों को ये बोलना है कि आपको ग्रेटर देन और लेस देन बोलना है। लाइक 21 is less than 27, यहाँ तो लिखना नहीं है, ओनली पूछना है। देन 28 is -37, तो 28 is less than 37। 53 is -35, 53 is > 35, 92 is -29, 92 is less than 29, 60 is -50, 60 is > 50, 99 is -100, 99 is less than 100। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, टेल द करेक्ट नंबर। यहाँ पर बच्चों को करेक्ट नंबर बोलना है, आप इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि
110 and 0 ones, then what is the number 110 and 0 1? तो 10 place में 1 then 0 10. 2 tens and 9 ones, 2 tens and 9 ones 29. 3 tens and 0 ones, 3 tens 0 ones 30. 0 tens and 6 ones, तो 10th place में अगर 0 रहेगा देन 1th place में 6 रहेगा, तो ओनली 6 ही होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, टेल हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस इन 16 - 10 and - 1s। तो बच्चों को बोलना है 110 and 6 ones, 20 - 10s and - 1s, 2 tens and 0 ones, ओनली 8 में - 10 and - 1, तो ओनली 8 है तो ये 1s place में रहेगा, ओनली 8 1 ही होगा। देन 65 में - 10s and - 1s, 65 में 6 tens and 6 ones, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं इन 65 हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस। तो बच्चों को बोलना है इन 65 6 tens and 5 ones, ऐसे भी आप बच्चों को बोल सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने में मैंने ऐसे ही बनाई हूँ, बट आप बच्चों को इसी तरह भी पूछ सकते हैं। देन हाउ मेनी टेंस, ऐसे ही क्वेश्चन में ओनली टेंस हम पूछ सकते हैं। हाउ मैनी टेंस 50 - 10s इन 50 - 10s, 5 tens इन 34 हाउ मैनी टेंस, 3 tens इन 62 हाउ मैनी टेंस, 6 tens इन 100 हाउ मैनी टेंस। डैश टेंस भी आप पूछ सकते हैं, 10 tens भी बच्चों को डिफरेंट टाइप्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 50, तो बच्चों को आंसर देना होगा इन 50 देयर आर 5 tens। हाउ मेनी टेंस इन 34, देयर आर 3 tens इन 34। तो ऐसे ही बच्चों को भी आप पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नंबर मोर देन, यहाँ पर बोलना है मोर देन नंबर बोलना है। तो जब भी आप बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे, 2 more than 17 is - तो 17 का 2 more मतलब बच्चों को यहाँ पर काउंट करना है, 2 more than मतलब आगे बढ़ना है, 2 more, 2 ज़्यादा है, 17 से 2 more हो गया 18 19। तो बच्चों को यहाँ लिखना है, नहीं लिख सकते सॉरी, तो बोलना है 2 more than 17 17 is 19, 3 more than 5 is - 3 more than 5 is 5 6 7 8 8, 2 more than 28 is 29 30। तो यहाँ पर 30 बोलना है, 2 more than 28 is 30, 1 more than 20 is 21, 3 more than 10 is 10, then 11 12 13, so 3 more than 10 is 13। तो बच्चों को हम फिंगर में काउंटिंग करके बोलने के लिए भी बोल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नंबर, तो यहाँ पर बच्चों को लेस देन बोलना है, 1 less than 5 is - लेस देन का मतलब कम, मतलब 1 less than 5, 5 से 1 अगर हम लेस करेंगे देन व्हाट इज़ द नंबर, 1 less than 5 is 4। आप लेस कर सकते हैं या बच्चों को बिफोर काउंट करने के लिए भी बोल सकते हैं। 5 का 1 less मतलब 1 before is 4, 1 less than 7 is 6, 2 less than 6 is 4, 2 less than 10 is 8, 1 less than 14. देन क्वेश्चन नंबर 11, स्कीप काउंटिंग ऑफ 5, बच्चों को ये
स्टार्टिंग से बोलना है कि आप बच्चों को कि ये जो नंबर आपको पूछा जाएगा इसका 5 स्किप काउंटिंग करना है, स्किप काउंट ऑफ 5 इज, तो बच्चों को काउंट करना है कैसे, जब ओरली बच्चे बोलते हैं तो ज़्यादातर फिंगर में काउंट करते हैं, तो 5 का स्किप काउंटिंग होगा 6 7 8 9 10, तो बच्चों को 10 ही बोलना है, द स्किप काउंटिंग ऑफ 5 इज 10, स्किप काउंट ऑफ 10 इज डैश, तो इसके बाद फिंगरिंग ही वैसे ही करना है 11 12 13 14 15, सो द स्किप काउंटिंग ऑफ 10 इज 15, स्किप काउंट ऑफ 15 इज 20। देन क्वेश्चन नंबर 12, स्किप काउंट ऑफ 3s, तो 3 3 स्किप काउंटिंग करना है बच्चों को, स्किप काउंट ऑफ 5 इज 3 काउंट करना है, तो 5 और 3 6 7 8, तो स्किप काउंट ऑफ 5 इज 8, स्किप काउंट ऑफ 8 इज डैश, स्किप काउंट ऑफ 8 इज 9 10 11, स्किप काउंट ऑफ 11 इज 14, स्किप काउंट ऑफ 15 इज 18, स्किप काउंट ऑफ 20 इज 23, तो बच्चों को 3 3 काउंट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 13, स्किप काउंट ऑफ 2, बच्चों को 2 2 भी स्किप काउंट करके बोलना है, लाइक स्किप काउंट ऑफ 15 इज 2 काउंट करना है 16 17, यहाँ पर 17 लिखना है, सॉरी बोलना है, स्किप काउंट ऑफ 22 इज 24, स्किप काउंट ऑफ 29 इज 31, स्किप काउंट ऑफ 35 इज 37, स्किप काउंट ऑफ 45 इज 47, तो बच्चों को काउंट करके बोलना है। देन क्वेश्चन नंबर 14, ऐड द नंबर, बच्चों को हम ऐसे नंबर एडिशन करने के लिए भी बोल सकते हैं, 3 प्लस 2, बच्चे जब एडिशन करते हैं ज़्यादातर फिंगर में काउंट करते हैं, जब ओरली बोलते हैं तो फिंगर में ही काउंट करते हैं, 3 प्लस 2, तो फर्स्ट नंबर को फिंगर नहीं करना है, सेकंड नंबर 2 है, 3 प्लस 2 इज 4 5, 3 प्लस 2 इज 5, 8 प्लस 2 8 9 10, तो यहाँ पर 10 लिखना है, 15 प्लस 2 16 17, ऐसे ही बच्चों को नंबर ऐड करके लिखना है। अगर हम 35 प्लस 0 पूछेंगे तो बच्चों को ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो वही 35 होगा क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, सब्ट्रैक्ट द नंबर, बच्चों को नंबर सब्ट्रैक्ट भी ऐसे फिंगर में सब्ट्रैक्ट करके बोलेंगे, जैसे कि 4 माइनस 2, बच्चों को 4 फिंगर दिखाना है, देन माइनस 2, 4 फिंगर है तो 2 अगर माइनस करेंगे तो लेफ्ट 2, यहाँ पर 2 बोलना है, 5 माइनस 3 इज 2, 8 माइनस 3 इज 5, 5 माइनस 5 इज 0, क्योंकि 5 से 5 जब जाता है तो 0 ही रहता है, देन 15 माइनस 0 इज 15, क्योंकि देर इज़ नो वैल्यू ऑफ 0। देन मंथ्स ऑफ द ईयर, हम बच्चों को मंथ्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, लाइक हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, द मंथ बिफोर अगस्ट इज डैश, अगस्त का बिफोर मंथ बोलना है, तो यहाँ पर जुलाई, द मंथ बिफोर अगस्त इज जुलाई, द मंथ आफ्टर नवंबर इज दिसंबर, द मंथ बिटवीन अप्रैल एंड जून, अप्रैल एंड जून का बिटवीन मंथ है मई, देन द मंथ दैट बिगिन विद द लेटर एम, एम से 2 लेटर बच्चों को बोलना है जो कि स्टार्ट होता है एम से, एम फॉर मार्च और एम फॉर मई, द मंथ दैट
बिगिन विद द लेटर जे, आर जे फॉर जून एंड जे फॉर जुलाई। फेब्रुआरी कम्स आफ्टर जनवरी, द फिफ्थ मंथ ऑफ ए ईयर इज, बच्चों को काउंट करके बोलना है जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई, सो मई। अक्टूबर कम्स बिफोर या आफ्टर सेप्टेम्बर, अक्टूबर कम्स आफ्टर सेप्टेम्बर, सॉरी जून कम्स बिफोर जुलाई। डेज ऑफ द वीक, यहाँ पर डेज का कुछ क्वेश्चन मैंने बनाई हूँ, जो कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, देयर आर सेवन डेज इन ए वीक। द डे दैट कॉम्स बिफोर वेडनेसडे इज, वेडनेसडे का बिफोर डे क्या है, बच्चों को काउंट करके बोल सकते हैं संडे मंडे ट्यूसडे देन वेडनेसडे। तो द डे दैट कॉम्स बिफोर वेडनेसडे इज ट्यूसडे। द डे दैट कॉम्स आफ्टर सैटरडे इज, सैटरडे के आफ्टर कौन सा डे आता है, देन संडे। द डे दैट कॉम्स बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे, थर्सडे ट्यूसडे एंड थर्सडे के बिटवीन डे इज वेडनेसडे। द फर्स्ट डे ऑफ ए वीक इज संडे, द लास्ट डे ऑफ ए वीक इज सैटरडे। यहाँ पर बच्चों को आप मंथ्स के नेम और डेज के नेम का स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ जनवरी, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ सितंबर, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ वेडनेसडे। ओके, देन शेप्स, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ए व्हील, बच्चों को पूछना है जो व्हील का शेप क्या होता है, तो सर्कल, द शेप ऑफ ए व्हील इज सर्कल। व्हाट इज़ द शेप ऑफ ए चेस बोर्ड, द शेप ऑफ ए चेस बोर्ड इज स्क्वेयर। What is the shape of a slice of pizza? The slice of a pizza, the shape of a slice of pizza is triangle. What is the shape of an egg? The shape of an egg is oval. What is the shape of your pencil box? The shape of my pencil box is rectangle. So, आप बच्चों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।